हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि आपको एक सेकेंड हैंड रॉयल इनफील्ड ख़रीदने से पहले क्या क्या चेक करना चाहिए। बहुत लोगों को रॉयल इनफील्ड सेकेंड हैंड लेने में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए आज हम देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपको बेसिक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक करने एक सेकेंड हैंड रॉयल इनफील्ड में। पहली बार आपको इसका जो बाइक का शेसी है वो चेक करना है। तो जनरली जो रॉयल इनफील्ड का शेसी है वो यहाँ से टूटा हुआ होता है, तो अगर वो टूटा हुआ है तो आपको बाइक से बच के रहना है, वो बाइक नहीं लेनी है। और दूसरी बात आपको देखना है कि कई जो शैसी है इम्पोर्टेंट जो शैसी यहाँ पर हो गया, या फिर यहाँ पर जो है रस्ट नहीं होना चाहिए। और आपको इंश्योर करना है कि जो है शैसी नंबर है, आपको दिखाता हूँ, ये शैसी नंबर जो है एकदम विजिबल होना चाहिए। अगर ये इस पर रस्ट है या फिर ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको बाइक नहीं लेनी है, क्योंकि जो ये शैसी नंबर का पेंसिल प्रिंट है ये आपको ट्रांसफ़र के दौरान यूज़फुल होता है। दूसरी बात आपको रस्ट चेक करना है। रस्टिंग जो मेन पार्ट्स है, रस्टिंग कॉमन है रॉयल इनफील्ड पे, लेकिन जो मेन पार्ट्स है इसकी टैंक हो गया, ये मड गार्ड हो गए, ये साइड बॉक्सेस हो गए, इस पे रस्टिंग नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आपको बाइक की अलाइनमेंट चेक करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो टायर है दोस्तों ये एकदम सेंटर में होना चाहिए, जैसे बाइक का सेंटर में। अगर ये टायर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा, मतलब लेफ्ट में होता है कभी राइट में होता है, तो उसके दो वजह होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और दूसरी वजह होती है एक्सीडेंट में। फिर तीसरी बात आपको कैसे डिटरमाइन करना है बाइक एक्सीडेंट है या नहीं। पहली बात, सबसे पहला मार्क आता है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो ये एक्सीडेंट के मार्क, मेरी बाइक एक बार गिरी थी, सो ये आपको चेक करना है। और यहाँ पर मार्क्स आते हैं, ये बार एंड पे, ये तो मैंने चेंज करवाया, ये भी थोड़ा बेंड हो जाता है गियर लीवर और फुट रेस्ट, और जो मिरर से यहाँ पर भी स्क्रैच आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये है ओरिजिनल मिरर, इसका ब्रांड अलग है, और ये है अलग, ये जो मिरर मैंने बाहर से लगवाया था वो अलग है। सो इससे आप पता कर सकते हो कि गाड़ी एक्सीडेंट है। फिर आपको डिटरमाइन करना है इंजन, इंजन में बेसिक पहले आपको देखना है इसका इंजन ऑयल लेवल। अभी जो इंजन ऑयल है ये अभी थोड़ा नीचे बैठ गया है, लेकिन इसकी जो आपको लेवल है ये एकदम लाइट ब्राउन होना चाहिए या फिर थोड़ा डार्क चलेगा, लेकिन अगर ये पूरा काला है तो ऐसा समझ जाओ कि बाइक की मेंटेनेंस नहीं हुई है। और ये आपको जो है बॉक्स खोलना है और इसकी भी कंडीशन देखनी है, ये अभी ठीक ठाक कंडीशन में है, लेकिन अगर ये पूरा धूल से भरा हुआ होगा या पूरा ये एयर फिल्टर काला है तो वो वैसी बाइक आपको नहीं लेनी है। फिर आपको चेन भी चेक करनी है इसकी, चेन में प्रॉपर ल्यूब्रिकेशन होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। और इसके स्प्रॉकेट के टीथ भी चेक करने चाहिए। अगर चेन में ल्यूब्रिकेशन नहीं है, चेन पूरी ड्राई है, तो समझ जाओ बाइक का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं हुआ है। ऐसे बाइक से आपको बच के रहना है। फिर बात करते हैं बाइक की, सबसे बाइक की जान इंजन। तभी आपको बाइक को ऑन करना है और हमेशा पहली बात आपको सेल्फ स्टार्ट देना है। अगर बाइक आप सेल्फ स्टार्ट वाली ले रहे हो तो आपको सेल्फ स्टार्ट देखना है। अभी बाइक आप सेल्फ स्टार्ट करोगे तो एकदम आराम से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर कोई सेल्फ में आवाज़ आए तो समझ जाओ कि सेल्फ का बेरिंग का खर्चा है। सेल्फ बेरिंग चेंज करने में आपको 2-3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। सो बाइक एकदम आराम से सेल्फ पे स्टार्ट में, अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं एक सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई आराम से, सेल्फ में कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको इंजन को थोड़ा आइडल होने देना है, क्योंकि स्टार्टिंग जो इंजन रॉयल इनफील्ड में एक प्रॉब्लम है पहले से, वो है टैपेट की, टैपेट साउंड की आवाज़, और अगर कुछ सीरियस प्रॉब्लम है तो क्रैंक की आवाज़। सो आपको पहले इंजन को ठंडा होने देना है, थोड़ा आइडल होने देंगे हम इंजन को। तो दोस्तों अभी आप इसकी इंजन साउंड सुन सकते हो, इंजन में कोई भी एबनॉर्मल साउंड नहीं है। और अभी हम रेस एक्सीलेटर देके दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों इंजन में, इंजन से कोई भी टिक टिक या मेटल की साउंड नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसी साउंड आ रही है तो बाइक से बच के रहना, क्योंकि उसके टैपेट खराब हो सकते हैं, क्रैंक खराब हो सकता है, पिस्टन खराब हो सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है, उससे आपका इंजन खुलेगा और बड़ा खर्चा आएगा। तो अगर ऐसी कोई साउंड आ रही है तो वो गाड़ी से बच के रहना। अब आते हैं दोस्तों गाड़ी के रनिंग के ऊपर। तो ये गाड़ी, ये जो जो मीटर है उस पर ज़्यादा विश्वास मत रखिए, क्योंकि मीटर जो है आराम से इसको मैं बदल सकता हूँ, कोई भी बदल सकता है, इसका रनिंग कम ज़्यादा भी कर सकता है। सो आपको सबसे सिंपल तरीका कैसे गाड़ी की रनिंग ओरिजिनल है नहीं डिटरमाइन करना है। सो ये गाड़ी चले 7200 कुछ किलोमीटर, और 7200 में जो है ऑब्वियसली टायर चेंज नहीं होंगे, गाड़ी एकदम ओरिजिनल होगी। तो और ये है 2018 मॉडल। तो सिंपल वे है, आपको जो है इसका रियर टायर चेक करना है, और जो टायर है टायर की कंडीशन देखिए, कंडीशन अच्छी है। और इस पर जो डेट डेट लिखी होगी दोस्तों, हम डेट ढूंढेंगे।
खा गई खा गई। तो भाई टायर पे इसकी डेट लिखी होती है, सो हाँ दोस्तों ये रही टायर की डेट, यहाँ पर आप देख सकते हो 21/18 मतलब 21st week of 18। तो ये गाड़ी 2018 की है और इसका टायर भी 2018 का है, मतलब ये गाड़ी की रनिंग ओरिजिनल है। अगर ये टायर होता 2019-2020 का और रनिंग 7,000 है, मतलब टायर चेंज है, गाड़ी बहुत ज़्यादा चल चुकी है मीटर से। तो ऐसे यू नो गाड़ी से बच के रहे, हमेशा एक जेन्यून और ओरिजिनल गाड़ी लें। अभिजय दोस्तों आपको बाइक पे बैठना है और फिर बाइक को आपको राइड करना है। राइड करते समय आपको इसका ब्रेकिंग चेक करना है, गियर चेक करना है, क्लच चेक करना है, सब प्रॉपर होना चाहिए वर्किंग कंडीशन में। गियर स्मूथली अच्छे से लगने चाहिए, एक्सेलेटर भी अच्छा होना चाहिए, गाड़ी मिसिंग का प्रॉब्लम नहीं देना चाहिए। अगर गाड़ी मिसिंग दे रही है तो समझ जाओ कि इधर इसका चारकोल कनिस्टर ख़राब है या फिर कार्बोरेटर में कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसे बाइक से भी आपको बच के रहना है क्योंकि उसका भी खर्चा काफ़ी आता है। और आपको बाइक चलाते वक्त आपको 40 के ऊपर स्पीड लेना है और एक खाली रोड पर आपको इसका हैंडल बार छोड़ देना है और देखना है कि बाइक सीधी जा रही है नहीं। अगर बाइक टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, लेफ्ट राइट जा रही है, तो उसका अलाइनमेंट आउट है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसके रिम्स की अलाइनमेंट की ज़रूरत होगी या फिर उसका कोन सेट या फिर कुछ बैरिंग्स में प्रॉब्लम होगी। सो ऐसे वो भी आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं ब्रेक्स पे। अगर आप डिस्क ब्रेक वाली बाइक ले रहे हो जो इसमें दोनों डिस्क है, तो उसमें आपको उसका रियर डिस्क ब्रेक चेक करना है क्योंकि रियर डिस्क ब्रेक पे बहुत बार मैंने देखा है स्क्रैचेस होते हैं। तो पूरा आपको डिस्क चेंज करना होगा, वो भी बड़ा खर्चा है। आपको दोनों डिस्क चेक करने हैं, फ्रंट डिस्क भी आपको चेक करना है। डिस्क जो डिस्क है उस पर कोई भी स्क्रैचेस नहीं होनी चाहिए, एकदम ही स्मूथ होना चाहिए और ब्रेकिंग के टाइम पर कोई आपको साउंड नहीं होना चाहिए, ब्रेक्स भी प्रॉपर होने चाहिए। सो दोस्तों ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। बाकी रस्ट वगैरह सब कॉमन होता है रॉयल इनफील्ड में, ये सब भी आपको चेक करना है। टैंक पे कोई डेंट वगैरह ना हुए चेक करना है। पेपर्स तो हम सारी बाइक पे चेक करते हैं। मैं कहूँगा ऐसी बाइक लीजिए जिसमें लोन ना हो तो बेटर होगा। और बाकी सब इलेक्ट्रिकल्स का वर्किंग चेक करें, सब वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, हेडलाइट हो, हॉर्न हो, सब कुछ हो। और सस्पेंशन भी चेक करना है। अभी क्लासिक में जो एक प्रॉब्लम है पहले से ही, वो है इसका जो ये रबर है शॉकर का, देख सकते हैं ये घिसता है, ये नॉर्मल है, ये इसके कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से पूरा शॉकर ऑयल बहुत बार लीक होता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ऐसे किसी बंदे ने छोड़ दी, इसे ऑयल भी लीक हो रहा है, बंदे ने छोड़ दी, तो समझ जाओ गाड़ी का मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं हुआ है। ऐसे गाड़ी से आपको बच कर रहना है। और बाकी मैं कहूँगा रस्ट वगैरह नॉर्मल है रॉयल इनफील्ड में, साइलेंसर पे नॉर्मल है, लेकिन मेन है बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स पे रस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसकी बैटरी भी चेक करनी है, बैटरी कवर खोल के इसकी बैटरी भी चेक करनी है। अगर ये बैटरी पानी वाली है तो देखना है कि कहीं लीकेज वगैरह ना हो, और क्योंकि बैटरी जो है काफ़ी 2-3 हज़ार रुपये की आती है, सो वो भी आपको चेक करनी है। बैटरी जो है उसका लाइट पूरा पावर होना चाहिए, चार्ज होनी चाहिए, वो भी आपको सब चेक करना है। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो डीलर्स हैं वो आपको फंसाने के लिए बैठे हैं, पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, सो उनसे बच के रहे और एक जेन्युइन बाइक ले, हमेशा प्रॉपरली चेक करके बाइक ले। सो यही कहना चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।